देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज रुड़की में पूर्व अध्यक्ष चरण सिंह के आवास के पास अंबेडकर भवन पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालियान का। बहुजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। समीक्षा बैठक में कुलदीप बालियान ने सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से जानकारी जुटाई और सभी कार्यकर्ताओं से उत्तराखंड में कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करने को कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि बहन कुमारी ने मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी देकर आप लोगों के पास भेजा है। कुलदीप बालियान बोले, उत्तराखंड में हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर थोड़ी मेहनत करते हैं तो उत्तराखंड में बहुजन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का सम्मान करती है और मान्य बहन जी जब जब भी समय चुनाव का आता है सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती हैं। और मान्य बहन जी ने मुझे दोबारा फिर प्रदेश सचिव बनाने का जो मुझे मौका दिया है, मैं मान्य बहन जी के जिन आशाओं से मुझे प्रदेश सचिव बनाया मैं खरा उतरूंगा। और अपने समाज जो आज मेरा समाज बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा दूरी बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा विश्वास रख रहा है, मैं तन मन धन से मान्य बहन जी के सानिध्य में मान्य बहन जी के आदेशानुसार अपने समाज में पूरा काम करूंगा और बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रचंड जो अपने समाज के अंदर मैं फैलाऊंगा और घर 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 जाकर के मैं बहुजन समाज पार्टी का काम करूंगा और अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। मुद्दा यह है कि जो लोग ये नहीं दे पाए, जो बीजेपी के लोग नहीं कर पाए, जो कांग्रेस नहीं कर पाए, सभी देख रहे हैं इन्हें 16-18 साल हो गए या उत्तराखंड के बने हुए, लेकिन दलित, किसान, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम सभी चेहरा जो मायूस है और बहुजन समाज पार्टी आगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश बहन जी ने करके दिखाया कि सब लोग सुखी हैं, सब लोग अमन चैन सुख शांति से रह रहे हैं, संता सुसंध बंधुत्व भाईचारे की तरह से रह रहे हैं, उसी प्रकार ये छोटा प्रदेश है और उसका उत्तर प्रदेश छोटा भाई है, बड़ा भाई उत्तर प्रदेश, उसी तरह उसी पैनल पर हम उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाकर दिखाएंगे। बसपा कभी खत्म नहीं हो सकती, बसपा पहले से जीवित है, ये एक मिशन और मूवमेंट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और उत्तराखंड के लोगों के साथ हमें जो माननीय बहन जी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम उस पर बखूबी सभी नौजवान युवकों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे निष्क्रिय कार्यकर्ता जो घर में बैठे हुए उनको सबको साथ लेकर के, और सारे जो भी जितने जिम्मेदारी बहन जी ने जिन लोगों को दी है, पदाधिकारी जिनको बनाया है, उनको सबको साथ लेकर के इस प्रदेश में एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम, इस उत्तराखंड को और फिर से यहाँ परचम लहराने का काम बहुजन समाज पार्टी का काम करेगा।